टीवी के लिए क्या है बुरी खबर, किसने एचडी प्रिंट में लीक कर दी ट्रिपल आर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोस। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रिपल आर मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। जूनियर एनटीआर, रामचरण, अजय देवगन और आलिया भट्ट स्टारर मूवी ट्रिपल आर इस शुक्रवार 25 मार्च को रिलीज हो गई है। मूवी की दीवानगी इस कदर है कि इंडिया के कई हिस्सों में मूवी देखने को भी नहीं मिल रही है, थिएटर हाउसफुल हो चुके हैं। मूवी को बाहुबली की डायरेक्टर एसएस राजामौली ने डायरेक्ट किया है, लेकिन मूवी को लेकर एक बुरी खबर आई है। एशियानेट.कॉम के मुताबिक ट्रिपल आर को तमिल रॉकर्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर HD प्रिंट में लीक कर दिया है। मेकर्स को इस लीक से कुछ नुकसान ज़रूर हो सकता है। रिलीज के कुछ घंटों बाद ही मूवी लीक हो गई थी दर्शकों। तमिल रॉकर्स पहले भी इस तरह की बड़ी फिल्में रिलीज कर चुका है। तमिल रॉकर्स ने पिछले दिनों प्रभास और पूजा हेगड़े की राधे श्याम और उससे पहले अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की पुष्पा को भी लीक किया था। ये प्लेटफॉर्म HD फॉर्म में है, ये फिल्में रिलीज कर देता है। हालांकि मेकर्स तो यही उम्मीद कर रही है कि ट्रिपल आर को इस लीक से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रिपल आर काफ़ी समय बाद थिएटर पर रिलीज हुई है। महामारी की वजह से मूवी को मेकर्स रिलीज ही नहीं कर रहे थे, बार बार मूवी को आगे डाला जा रहा था क्योंकि थिएटर्स या तो आधी क्षमता से खुल रहे थे या कई राज्यों में खुल ही नहीं रहे थे। मूवी का बजट करीब 600 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। ये मूवी पैन इंडिया मूवी है और कई भाषाओं में रिलीज हुई है। आप इसे इंडिया के अलग अलग राज्यों में तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में देख सकते हैं। और मैक्स मीडिया की माने तो फिल्म पहले ही दिन पूरे इंडिया से अलग अलग भाषाओं में कुल मिलाकर 130 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है। वेल दर्शकों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और सेफ रहें। थैंक यू।